हाय एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इस वीडियो में हम करंट अफ़ेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी फॉर एनवायरमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे राइट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम कंपाइलेशन्स में जाकर इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पे बाकी सारे पीडीएफ्स को भी एक्सेस कर सकते हैं राइट चल जस्ट क्विकली रश थ्रू दिस पी डी एफ ताकि आप आज के दिन दो से तीन घंटे स्पेयर करें और इसे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लें राइट सो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि इन केस आप हमारे एक रैश कोर्स फॉर प्रिलिम्स में इनरोल करना चाहते हैं सो यू कैन इनरोल अब हमने क्या किया है फुल सिलेबस क्रैश कोर्स है और सब्जेक्ट वाइज क्रैश कोर्स है जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर आप इन्वायरमेंट का क्रैश कोर्स लेते हैं तो आपको दो सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं एंड दिस इज़ वेरी नॉमिनली प्राइज्ड ठीक है priced, और अगर आप पूरा क्रैश कोर्स लेते हैं सो दैट इज दो वेरी वेरी नॉमिनली प्राइस ठीक है तो is, तो very, very priced, इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट स्ली विज़िट कर सकते हैं सो so, फटाफट से इस पी में जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है उसको देखते हैं सो so, पहला है इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में इसमें बात की जा रही है सेना स्पेक्टाबिलिस के बारे में ठीक है जिसको मांजा कोना कहते हैं अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये इन्वेसिव स्पीशीज़ है और ये न्यूसेंस बन गई है नीलगिरी बायोस्वेर रिजर्व में राइट पहले इनिशियली वायनाड में इसको एवेन्यू ट्रीज़ की फॉर्म में प्लांट किया गया था जो साइडों पे लगाते हैं लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से फैल गया है एंड इट हैज़ बिकम न्यूसेंस लीस्ट कंसर्न है आईयूसीएन स्टेटस देखें अब इस आ, जो हमारा आर्टिकल है एक तो आपको सेना स्पेक्टिबिल्स के बारे में पता होना चाहिए देन वी आल्सो टॉक अबाउट एलेलो केमिकल्स जो ये रिलीज़ करता है उसके बाद व्याल्स के बारे में बात की गई है नीलगिरी बायोस्वेर रिजर्व के बारे में बात की गई है देन टाइगर डेथ्स देखो मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट ने डेटा निकाला जिसमें टाइगर डेथ्स की बात की गई ठीक है अब इसमें यह कहा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो नंबर ऑफ़ टाइगर डेथ्स हैं दे हैव बिन लेस देन हंड्रेड उसके बाद कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है एम में राइट right? उसके बाद रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा डेथ्स का पोचिंग तो ये इयरली डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरमेंट रिलीज़ करता है उसके बाद रेड सैंड बॉय स्नेक के बारे में इट इज़ अ नियर थ्रेटेंड स्पीशीज एंड है ईरान पाकिस्तान इंडिया नॉन विनम्स है और ये न्यूज़ में क्यों है बिकॉज इट हैज़ बीन रेस्क्यूड बाय द गवर्नमेंट बाय द पुलिस राइट देन आई एस एफ आर ट्वेंटी नाइनटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ बाइनियल रिपोर्ट दो सालों में एक बार आती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर ही है सोली असेसमेंट है ये उसके बाद देखो अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और हमने अपने क्लास कोर्स में भी इसको काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है सो so, ये असेस करता है फॉरेस्ट और ट्री कवर आपको डिफ्रेंस पता होना चाहिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है ट्री कवर क्या होता है ठीक है उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या है तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए राइट उसके बाद आप आई एस एफ आर को अच्छे से समझ सकते हैं देन इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइंडिंग्स राइट सो द फॉरेस्ट कवर हैज़ इंक्रीज ठीक है Then, uh, findings, right? uh, so अभी ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट है ट्री कवर कितना है टू पॉइंट एट नाइन परसेंट दोनों ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट है उसके बाद इंक्रीज की बात करें तो पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट है राइट uh, सो दिस इज़ फॉरेस्ट कवर बिट विद इन आर डब रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया ग्रीन वॉश डैट हेज़ शोनस लाइट डिक्रीज़ तो मोस्टली जहाँ बात करते हैं कि फ़ारेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है लेकिन रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया के तहत वो डिक्रीज़ भी हुआ है राइट right? सो so ये सब चीज़ें हैं ये फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं ओके okay. देन uh, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे भी कवर किया गया है देन रीग्रासिंग आफ्टर माइनिंग तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो माइनिंग लीज होल्डर्स हैं दे आर द वंस जिनको री क्रासिंग करनी है माइंट एरियाज़ की ठीक है सो उसके तहत ये है देन महादेव वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी जो गोवा में है राइट right, उसके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि न्यूज़ में था तो हमने डिस्कस किया हुआ है क्लाइमेट समरी है क्लाइमेट समरी आई एम डी निकालता है और आई एम डी के अकॉर्डिंग जो ये ट्वेंटी uh, एटीन था ठीक है दैट वॉज दिक्सथ वॉर्मेस्ट ईयर और अगर सबसे ज़्यादा वॉमेस्ट ईयर देखें तो कौन सा था 2016 हज़ार का ठीक है और उसके बाद बात करें था एज अ कंजर्वेशन रिज़र्व ये बेंगलोर में है आपको बताना चाहिए कन्ज़र्वेशन रिज़र्व क्या है बिकॉज उसी दैट इज़ दी होल पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स कि हमें पता चाहिए कॉन्जर्वेशन रिजर्व क्या है किसी एक्ट के अंदर आते हैं ये या नहीं एंड ऑल दैट दैन सी पी की बात करते हैं सी पी कौन निकालता है बी ई ई विद ए ठीक है अब बी ई ई क्या है स्टैटूटेरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ मार्क के अंदर आती है एनर्जी कॉन्जर्वेशन एक्ट टू थाउजेंड वन के तहत बनी है राइट सी पी के अंदर चार कैटेगरीज हैं ठीक है दीज आर द फोर कैटेगरीज फ्रंट रनर इस uh, साल कोई नहीं है और दूसरी बार है कि सी पी निकाला गया है देन जॉइन टोटॉइज सो जॉन्ट टोटॉइज ये बेसिकली इसमें न्यूज़ में था क्योंकि इसको कैप्टिव ब्रीडिंग से रिटायर किया है एक्वाडोर में और इसने जब इसने ज्वाइन किया था ब्रीडिंग तो पंद्रह थे अब नंबर हैज़ इंक्रीज टू टू थाउजेंड तो काफ़ी ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूट किया है डिएगो नाम के टोटोज ने और आई स्टेटस देखे तो क्रिटिकली इन है देन चाइनीज पैडल फिश एक्सटिंक्ट हो गई है तो जो भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है आपको ये बताना चाहिए कहाँ मिली वो फॉर एग्जाम्पल चांगसे में बहुत चाइना में बहुत, बहुत कॉमन थी ठीक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश थी इसको पांड ऑफ यांग से भी कहा जाता था और लास्ट स्पॉटेड थी दो में ठीक है तो आप देख रहे हो कि जब लास्ट स्पॉटेड थी और जब इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया जाता है उसमें काफी लंबा ड्यूरेशन रहता है ठीक है सो पोटेंशियली हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट है बट अगर आई स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही है नहीं गाजी रंगा में वेट वेटलैंड काउंट हुआ एच एच सी एफ सी वन फोर वन बी को कम्प्लीटली फेस आउट कर दिया गया है जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी से उसके बारे में इरावडी डॉल्फिनस कहाँ मिलती है इंडिया में चिलिका लेक में वैसे कहाँ मिलती हैं इरावडी इन uh, म्यांमार महाकम इन इंडोनेशिया बॉर्नियो में और मीकोंग चाइना यहाँ मिलते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप स्पीशीज़ ऑफ चिलिका लेक और चिलिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको इरावडी डॉल्फिन मिलती हैं आई यू सी एन स्टेट इन डेंजर्ड है ठीक है थीके? और रिसेंटली दो हज़ार चार में ही इसको ट्रांसफ़र किया गया था अपेंडिक्स वन में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर है राइट right, इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा देन वलीमी पाइंस के ऊपर है वलीमी पाइंस इवन डायनोसॉर्स से भी पुराने हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये काफ़ी रेयर है इनके बारे में पढ़ लीजिएगा स्नैक ईल स्पीशीज मिली हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ठीक है डग बिल्ड प्लाटबल्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मोस्टली आपने देखा है मैमल्स यंग वनस को बर्थ देते हैं लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मैमल जो एग लेंग है ठीक है सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो डग बिल्ड प्लाटबल इज़ एग लेग ठीक है और उसके बाद अफ्रीकन चीता सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया जाए सूटेबल हैबिटाट में री चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम बहुत जगह कवर किया गया है उसी के तहत ये न्यूज़ है रामसर साइट्स जो हमारी दस और ऐड हुई हैं और थर्टी सेवन हो गई हैं ये भी मैंने एक एक रामसर साइट डिटेल में डिस्कस करी है अपने एक में इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में है एंड देन आई एन ओ के बारे में है ठीक है सो दिस इज़ यू नो मेजरली इस मंथ uh, का जनवरी का करंट अफेयर सो हार्डली टेक टू टू थ्री आवर्स प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से पहले बैकग्राउंड में एक बार पढ़ा हुआ है तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए आपको दो तीन घंटे लगेंगे अगर एक पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद डबल टाइम भी लग सकता है और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख के आई रिवर्ट बैक थैंक यू